बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं वकार खानजादा और आप देख रहे हैं वकार खानजादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक लंबरदार की सीट के हवाले से है कि लंबरदार को अपॉइंट करते वक्त किन मैटर्स को कंसिडर किया जाता है और इसको क्यों डिसमिस किया जाता है। सो लंबरदार एक ऐसा ओहदा है जो किसी विलेज के पर्सन को दिया जाता है। किसकी तरफ से दिया जाता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से दिया जाता है और मकसद ये होता है टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम हिज विलेज। नाउ द डेफिनेशन ऑफ लंबरदार। Village officer or lumberdar is a person who is appointed by EDO of Board of Revenue in order to collect revenue on behalf of government from the landlord of his village. EDO means Executive District Officer of Board of Revenue. Board of Revenue ka Executive District Officer अपॉइंट करेगा लंबरदार को टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम हिज विलेज। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ विलेज ऑफिसर। हमने पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स पढ़े थे, आज हम विलेज ऑफिसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज विलेज ऑफिसर और लंबरदार, सेकंड वन इज पटवारी, देन कानून को, then zabit, then kotar, and last one is arbab. Okay, now matters to be considered for the appointment of lumberdar. Lumberdar ko appoint karte waqt kaun kaun se matters ko consider kiya jata hai, kaun kaun se matters ko dekha jata hai. First one is heredity claim. Heredity claim mean कि उसके अबाव अजदाद भी लंबरदार की सीट पे मौजूद थे तो उस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। अगर बाकी तमाम की तमाम क्वालिटीज और तमाम के तमाम क्राइटेरिया वो पूरा कर रहा हुआ कैंडिडेट तो उसको इस सीट के लिए मुंतखब किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेकंड वन इज सर्विसेज ऑफ कैंडिडेट। लंबरदार को मुंतखब करना या अपॉइंट करना इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है टू गेट सर्विसेज, और सर्विसेज कौन कौन सी हैं? टू कलेक्ट टैक्सेस, प्रॉफिट एटसेट्रा। वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ड्यूटीज हैं लंबरदार की। देन पर्सनल स्टेटस। कैंडिडेट को अपॉइंट करते वक्त ये देखा जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका पर्सनल स्टेटस इन हिज विलेज कैसा है। देन स्टेट ऑफ माइंड ऑफ कैंडिडेट, मेंटली कितना बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिजिकल फिटनेस। देन एजुकेशन ऑफ कैंडिडेट, जिसकी जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी उसको इतना ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। बैंकरप्सी, ये देखा जाएगा कि क्या ये कैंडिडेट जिसको हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं एज अ लंबरदार, क्या ये बैंकरप्ट तो नहीं है, क्या इसने कहीं पे फ्रॉडलेंट तरीका तो नहीं इस्तेमाल किया, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। देन कन्विक्शन देखी जाएगी कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसका पास्ट कैसा है, क्या पास्ट में इसने कोई ऐसा जुर्म किया जिसकी वजह से इसको इम्प्रिजमेंट हुई या किसी किस्म का कोई जुर्माना हुआ। पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी हुई उसको उतना ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ माइनर एज लंबरदार। अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इट इज पॉसिबल टू
hire a minor person as a lumberdar. लंबरदार के लिए अगर तमाम का तमाम क्राइटेरिया पूरा कर रहा है एक कैंडिडेट कि जिसकी उम्र अभी 18 ईयर से कम है तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है. देन अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल एज अ लंबरदार. फीमेल इज आल्सो कॉम्पिटेंट, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ लंबरदार. बट उसके लिए एक शर्त ये रखी गई है कि इफ शी सालोली हैज हेरिडिटी क्लेम, अगर वो अकेली हेरिडिटी क्लेम रखती हुई और बाकी तमाम क्राइटेरिया अगर उसने पूरा किया तब उसको अपॉइंट किया जाएगा. देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट सर्वेंट. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू अपॉइंट अ पर्सन हु इज गवर्नमेंट सर्वेंट बिकॉज लंबरदार में भी प्रॉपर सैलरी दी जाती है. एज गवर्नमेंट सर्वेंट कांट डू एनी जॉब एज पार्ट टाइम जॉब. सो दैट्स व्हाई इट इज द रीजन बिहाइंड दिस वन दैट गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू बिकम विलेज ऑफिसर और लंबरदार. देन फिक्सेशन ऑफ सैलरी ऑफ लंबरदार. सैलरी के हवाले से एक रूल है कि सैलरी फिक्स की जाती है बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड बाय हायर अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. बट सैलरी की अमाउंट 5% ऑफ कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ हिज विलेज से ज्यादा नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल एक लंबरदार ने 1000 रुपीस कलेक्ट किए हैं एज रेवेन्यू फ्रॉम हिज विलेज. अब उसकी सैलरी 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी. दैट इज द रूल. नाउ डिसमिसल ऑफ लंबरदार. कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसे वाकियात हैं और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि जिनकी वजह से डिसमिस कर दिया जाता है लंबरदार को. फर्स्ट वन इज कन्विक्शन. अगर किसी केस में लंबरदार को 6 months के लिए इम्प्रिजमेंट हो गई है तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम हिज ऑफिस. सीज टू बी लैंड ओनर. अगर उसकी प्रॉपर्टी फ्रॉड के जरिए से हासिल की गई थी और बाद में उसके ऊपर कोई केस चला और प्रॉपर्टी वापस ले ली गई या कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से उसको सीज कर दिया गया, उससे लैंड ले ली गई बाय द गवर्नमेंट और बाय द कोर्ट, तो फिर वो लंबरदार की सीट पे भी नहीं रह सकता, उसको रिमूव कर दिया जाएगा. ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग. अगर लंबरदार ने अगर उसने अपनी तमाम की तमाम होल्डिंग, अपनी तमाम की तमाम प्रॉपर्टी, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड थी या कमर्शियल लैंड थी, उसको उसने ट्रांसफर कर दिया, किसी को दे दिया, गिफ्ट कर दिया या सेल कर दिया, उसके बाद उसके पास ये राइट नहीं है कि वो मजीद लंबरदार रह सकता है. मॉर्गेज ऑफ होल्डिंग. अगर उसने गिरवी रख दी है अपनी तमाम की तमाम जमीन, तब भी उसको इस सीट से रिमूव कर दिया जाएगा. देन स्टेट ऑफ माइंड. स्टेट ऑफ माइंड वी मीन दैट द पर्सन बिकेम इनसेन. पर्सन मजीद सेन नहीं रहा, अपनी सेंसेस में नहीं रहा या उसको इंसेनिटी के दौरे पड़ते हैं, तो इस वजह से उसको रिमूव कर दिया जाएगा from the seat of lumberdar. Physical unfitness. अगर lumberdar physically unfit हो गया है और वो मजीद चल नहीं सकता या सोच समझ नहीं सकता, तब भी उसको remove कर दिया जाएगा.
failure to perform his duty because of any reason, because of illness or because of any domestic problem, अगर वो fail to perform duty हो गया है तो तब उसको remove किया जा सकता है. Negligence, because of any of the his act, अगर board of revenue को ये लगे कि negligence हो रही है by the lumberdar, तो तब उसको रिमूव कर दिया जाएगा. इलीगल एक्टिविटीज, अगर लंबरदार किसी माफिया से मिल गया है या फिर किसी ऐसे ग्रोह से मिल गया है कि जो कि इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, या फिर लंबरदार ने खुद ही कोई ग्रोह बना लिया है जो कि कब्जा माफिया है या कोई और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, तब उसको रिमूव कर दिया जाएगा. क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अगर लंबरदार के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, इनिशिएट हो गई है, तो तब उसको रिमूव कर दिया जाएगा. लास्ट वन इज इलीगल प्रॉफिट, अगर लंबरदार रिश्वत लेता हुआ या इलीगल प्रॉफिट लेता हुआ पकड़ा गया, तब उसको रिमूव कर दिया जाएगा. थैंक यू सो मच.